निबंध साहित्य का विकास। आपको इसके बारे में बताते हैं निबंध साहित्य क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और हमारे कितने युगों में इनका विकास हुआ है वो। तो अध्याय वन है निबंध साहित्य का विकास। हिंदी निबंध आधुनिक काल की एक विकसित विधा है। विधा हमने टेंथ में भी पढ़ा था, जो निबंध शब्द से बना हुआ है, नी प्लस बंध, उसको हम निबंध कहते हैं। ये तो आपको मालूम है, संधि जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये चीजें मालूम हो जाती हैं। निबंध अभिनंदन संधि आती है इसकी, इसका शब्द जो है वो होता है शब्द नी, ये वाला नी प्लस बंध। बंध यानी कि कोई भी चीज को आप बंद करके रख लीजिए। विधाएं हमारी होती हैं जो कोई भी चीज को बंद करती है, उसमें निबंध से जोड़ा जाता है। जैसे हमने लिखा ना नी प्लस बंध, यानी कि नी विधा, विधाएं जो सारी होती हैं उनको बंद कर देना, उनको समेट के रख लेना। हम बहुत सारी चीजों में निबंध लिख सकते हैं, है ना, प्रकृति में लिख सकते हैं और जब पशु पक्षियों पर लिख सकते हैं, महापुरुषों पर लिख सकते हैं, त्योहारों पर लिख सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे निबंधों को बंद कर सकते हैं। निबंध लिखकर कोई भी निबंध तैयार कर सकते हैं, जिसका अर्थ है बांधना। जैसे मैं कहा बंद करना, बांध लेना। जैसे मैं किसी महापुरुष के बारे में लिखा, हमने उसकी जीवनी तो पढ़ी है, लेकिन जब हम निबंध के तौर पर आते हैं तो हम उसका जीवन से लेके मृत्यु के बीच में जितने भी कार्य कर आपको करता है वो सारी चीजें उसको लिख देते हैं, यानी कि उसको जोड़ते जाते हैं, बांधते जाते हैं और वो एक निबंध के तौर पर तैयार हो जाता है। तो निबंध साहित्य का विकास क्यों, कैसे और कब कहाँ हुआ था, ये सारी जानकारी आज हम आपको इसमें देंगे। इस प्रकार निबंध पहली भांति बंधी हुई परिमार्जिता और प्रोण रचना, यानी कि बहुत पुरानी, प्रोण का मतलब होता है बहुत पुरानी रचना, कई युगों से चली आ रही है, यानी कि काफी बूढ़ी रचना है, बहुत पुरानी रचना है। प्रारंभ में निबंध शब्द का प्रयोग गद और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं के लिए होता था। हम सब जानते हैं क्योंकि जब हम अभी ये 12th क्लास का है, यदि आपने 8th से लेकर 10th तक के बीच में हिंदी पढ़ी होगी तो आपको गद पद दोनों ही रचनाओं के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि गद पद क्या है। गद हमारी कहानियों के तौर पर छोटा सारांश में बोला जाता है, वो गद कहलाता है। और पद जो हमारी कविताएं होती हैं उसके अर्थ उसको सारांश में बताने को हम पद कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम दोनों ही चीजों को पता कर लेते हैं कि गद क्या है और पद क्या है, आसानी से हमें हर चीज जिंदगी की मालूम पड़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो बहुत अच्छे से बात की गई है, यथा भाषा निबंध मति मंजलम मात लोती मति तुलसी दास, यानी कि कहने का मतलब यह होता है आधुनिक काल में भी इसका प्रयोग विशेष प्रकार से साहित्य गुणों से युक्त गद रचना के द्वारा किया गया है, ऋण हो जाता है, यानी कि हमें उसको द्वारा कहा गया है। ऋण कहना, आपने ऋण पढ़ा होगा व्याकरण में 8th क्लास में, है ना। तो ऋण हमारे क्या थे कि वो पुराने हो जाते हैं, अब उस चीज को हम किस तरह से यूज करते हैं, आधुनिकता के तरीके से। उनने कैसे किया, जैसे हिंदी में अंग्रेजी को, हिंदी में निबंध को निबंध कहते हैं लेकिन अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, तो इसका अर्थ है प्रयत्न करना। ऐसे का मतलब होता है हिंदी में प्रयत्न करना, निबंध का मतलब होता है बांधना। जब अंग्रेजी में आप ऐसे बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है कि क्या करना, प्रयत्न करना। जब हम हिंदी में निबंध बोलते हैं तो उसका मतलब होता है बांधना। दोनों में अलग अलग हो गया ना, जब आधुनिकता की तरफ है तो प्रयत्न करना है और जब हम पुराने में पूर्ण उसमें है या रूल में है तो हमें बांधना निबंध है, ठीक है। ये शब्द मूलतः फ्रांसीसी शब्द एसआई से बना है, इसका अर्थ होता है प्रयत्न, प्रयोग और परीक्षण। किंतु आज ऐसे को समान रचना या पूरा प्रयास मात्र नहीं माना जाता बल्कि उसे पूर्ण गद्य रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। बहुत अच्छे से कम बता दिया कि पूर्ण गद्य रचना के रूप में तैयार है।
यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पुरानी चीजों को सुनते हैं देखते तभी तो हमें आधुनिकता का पता चलता है कि भाई पुराने समय में ये चीज ऐसी थी और अब ऐसी। अब बुक का ही देख लो, पुराने समय में कैसे थे लोग, पत्ते पर सुखा कर उसमें लिखते थे, कैसे जो बरगद की डालियां होती थी, जो छोटे छोटे से सीके होती थी उनको काट के केवले से या किसी चीज से मिट्टी को गीला करके उसको लिख दिया जाता था और उसको सहज के रख लेते थे, लिखाई करनी थी। लेकिन आज आधुनिकता के तौर पर हमें ऐसे कागज मिले हैं, ऐसे पेज मिले हैं जिसके सहारे हम उनको लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ये हमारी बुक कॉपी बनी है, ऐसे ही हमारे जो पहले थे तो हमें उनको वैदिक काल का था, जो पुराने समय का था, और वो उसमें क्या था, हमेशा उन चीज़ों को कभी पत्थर पे लिख देते थे, कभी कागज के, कागज तो था ही नहीं, कभी ना बड़े बड़े पत्ते होते थे जो पेड़ों के पत्ते, उनको सुखा के उस पर लिख दिया जाता था। और कभी कुछ काम ऐसा होते थे कि हमें ये भूलना नहीं है तो वो गुफाओं में तो रहते ही थे, तो वो गुफाओं की दीवारों पर लिख देते थे कि ये यादगार सा है, हमारी यादगार ये चीज़ है। तो ऐसे ही उन्होंने अपनी लिखाई को आरम्भ किया था। अब जैसे जैसे युग बदलता गया, निबंध विधाएं भी बदलती गई, तो उनकी परिभाषाएं भी विस्तृत हो गई। अब देखते ना उनकी परिभाषा बहुत प्रस्तुत हो जाती है, पहले लोग कैसे रहते थे, फिर कैसे रहे और आज आधुनिक युग में कैसे रहे, हर चीज का एक समय परिवर्तन होता है। तो यही बताया है कि हमेशा परिवर्तन होता है, प्रकृति का हो चाहे इंसान का हो, चाहे हमारी लिखाई का हो, पढ़ाई का हो, हमेशा परिवर्तन होता है। अब जो जो निबंध विधाएं का कलीवर और स्वरूप बदल रहा है तो उसकी परिभाषा विस्तृत होती जा रही है। पाश्चात्य और भारतीय समय समीक्षकों ने निबंध की सर्वोच्चारित और संयमिता परीक्षाएं प्रस्तुत की है। अब उन्होंने कितने अच्छे से बताया है कि जो हमारे सुविचारक हैं, हम जो विचार कर रहे हैं उनको हम अपने परिवर्तन के अनुसार कर रहे हैं। हमने कहा कि हमें किसी फल पर निर्भर नहीं होना है, हमारा विचार कितना चेंज है, अब फल पर सिर्फ आगे ही विचार आ रहा है कि फल पर लिखना है ना। लेकिन हमारे पास जो निबंध है वो काय पे है, महापुरुषों पे है ना, जानवरों पे है, त्योहारों पे है और ऐसे राष्ट्रीय पर्वों पे है। तो ये चीज़ें हमारे निबंध पे तो हमने जो सोच समझ के लिखी है वो है कि हमारे विचार, हमारे जो थिंकिंग, हमारे जो आए हैं वो कैसे आए हैं, हमें फल पर लिखना है। अब आप फल पर लिख लीजिए निबंध, आम बहुत सुंदर फल है, आम मीठा होता है, आम रसीला होता है, आम से जूस बनता है। अब आप इतना लिखने के बाद आप भूल जाएंगे कि हम क्या लिखे इसके आगे, बस इतना ही लिख पाएंगे ना, इसके आगे लिख ही नहीं सकते। तो ये विचार हमारे यहाँ आगे यहाँ पर कट हो जाते हैं, आधुनिक के रूप में इसको हम आगे नहीं बढ़ा पाते। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि आम को जब हम आम खा लें तो उसकी जो गुठली निकलती है उसको सुखा लें, सुखा के फिर हम मिट्टी में डाल दें तो फिर एक पेड़ तैयार हो जाएगा, फिर उससे बहुत सारे फल निकलेंगे हमारे, है ना। तो ये चीज़ें तो हम करेंगे नहीं, निबंध में ऐसा लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रकृति चीज़ है वो तो उसकी गुठली डालोगे बीज डालोगे तो फल ऑटोमेटिक ही आएगा। तो यहाँ पर हम उस चीज़ों की कल्पना, उस चीज़ों का विचार करते हैं जो हमारे लिए सार्थक होती है या सार्थक सिद्ध होती है, हम उन चीज़ों के बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन कल्पना हमारी क्या होती है, दूर दूर तक जाती है ना, हमारे विचार हैं कहीं भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, अच्छे हो चाहे बुरे हो, बस आ जाते हैं उनके दिमाग में। ऐसे यदि हमारा विचार निबंध में फल के लिए आ गया तो कोई बुराई थोड़ी, बस हमने चार लाइन बता दी कि कौन सी होती है। इसलिए अब यहाँ पर हिंदी निबंधकार, प्रसिद्ध निबंधकार वेकर का कहना है कि निबंध केंद्रीय भूत ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं जिनके विचारों की सहज अभिव्यक्ति होती है, जबकि गार्डनर महोदय विषय के स्थान पर लेखक के व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार के टांगने के लिए कोई कुटी काम में लाई जा सकती है, उसी प्रकार निबंध में भी किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि निबंध जो है किसी भी विषय पर लिखा जाता है, कोई भी चीज पर लिखा जा सकता है, लेकिन कितना लिख सकते हैं हम उसको, उतनी जितनी हमारी कल्पना जाती है, जितना हमारा विचार होता है उतना ही हम लिख सकते हैं, अन्यथा उसको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन भारतीय विचारवेद जो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध साहित्य
कवियों की लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि हमने कहा है कि जो गद्य लिखे जाते हैं, कवि जो लिखते हैं उसके आधार पर यदि हिंदी में कोई लेख लिखता है तो गद्य लिखता है या पद लिखता है तो वो कसौटी में कस कर लिखता है। शुक्ल जी की निबंध लेखन में व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता की प्रमुखता देते हैं बाबू गुलाम राय जी। उनकी निबंध की जो परिभाषा का प्रयास दिया गया था उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विशेष का वर्णन या वर्णात्मक विषय रखा गया हो। यानी कि उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि सोच और सजीवता की आवश्यकता होती है। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सजीवता की आवश्यकता होती है। जो हम देख रहे हैं वही हम निबंध लिख रहे हैं। जैसे कि हमने बोला कि निबंध आप लिखिए प्रकृति पर। प्रकृति के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? पेड़ हैं, पौधे हैं, आपका वातावरण है, पशु हैं, पक्षी हैं, लोग हैं, सारे प्रकृति में आ जाते हैं। आप उसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कल्पनाएं भी क्या है, हम जो सामने देख रहे हैं वो भी प्रकृति की चीज़ें होती हैं और उनको हम निबंध के तौर पर उनका विशेष आकार देकर उनको हम सहजता से लिख सकते हैं। इसी तरह से डॉक्टर नलिनी लोचन शर्मा के अनुसार निबंध स्वाधीन चिंतन और निष्पर अनुभूति का सरस सजीव और मर्यादित गद्य आत्मक प्रश्न है। यानी कि उनका प्रकाशन भी कितने अच्छे से बताया है डॉक्टर नलिनी जी ने कि निबंध जो है वो स्वाधीनता है, आज़ादी है, उसका चिंतन है, उसके बारे में उनको विषय में लिखना, वो सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए कहा है। हमें स्वतंत्रता है किसी भी चीज़ पर आप लिख सकते हैं। इसी तरह डॉक्टर राजेंद्रनाथ शर्मा मानते हैं कि अपने भावों को ऐसे प्रकट कर देना जिसमें दर्पण के प्रतिबिंब की तरह लेखक का व्यक्तित्व झलक उठे, सच्चे निबंध का लक्षण है। सब अपने अपने विचार भी तो व्यक्त कर रहे हैं किसी ने कहा कि ये एक ही चीज़ गद्य गद्य को ही लेकर बात कर रहे हैं ना, लेकिन कहने कह रहे हैं कोई ने अपने दर्पण को बता दिया कि दर्पण में जो हम जिस तरह से अपने आप को देखते हैं उसी तरह से हम गद्य के निबंध को भी देखते हैं। तो इसी तरह बताया नलिनी जी ने बताया कि स्वस्थ और सुंदर जो हमारी कल्पना है उसी के आधार पर निबंध है। उन्होंने आचार्य ने रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि गद्य की कसौटी से कवि की कसौटी से लेखक ही गद्य है। यानी उन्होंने कितने सरल भाषा में बताया है कि जो कसौटी पर कस रहा है वही निबंध है। यानी सब अपने अपने विचारधारा बता रहे हैं लेकिन शब्द एक ही है कि गद्य की ये ही जो लिखा जाता है वही निबंध है। ठीक है, इस तरह से वह विश्व का कोई भी विषय लेकर अपने मनोभाव और विचारों के पाठक कर तथा अत्यंत सहज सजीव रोचक और प्रभावशाली ढंग से पहुंचाने की चेष्टा करता है। सभी कवि लेखक कोई भी हो या टीचर हो वो अपने सरल भावों से सामने वाले को उजागर समझाने की सरलता से कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से समझ में आ जाए। इसी तरह से उन्होंने भी अपने ढंग से समझाने की कोशिश। अब उसके आधार पर निबंध के संदर्भ में भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, निम्नलिखित निष्कर्ष भी निकलते हैं। अभी तो हम उनके आधार पर रहे हैं, निष्कर्ष भी उसके देख लो। आधुनिक निबंध गद्य की एक विधा है, गद्य में भी इसका स्वरूप अधिक निखर सकता है। यदि हमने निबंध के आधार पर गद्य लिखा है जैसे कोई कहानी लिखी है, कहानी अलग हो जाती है, निबंध अलग हो जाता है। निबंध हमारे होते हैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है इसमें, और कहानी होती है हमारी जो स्टार्टिंग से जीवन के रहते हैं, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक थोड़ी सी रहती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम गद्य की रचनाओं से लिखते हैं तो हमें उसका पूरे का पूरा वर्णन करना पड़ता है, लेकिन उसका अधिक निखार जब आता है जब हम गद्य की रचनाओं के साथ करते हैं। इसमें लेखक का व्यक्तित्व प्रमुख रूप से उद्घटित होता है। आपको पता चल जाता है कि कौन ऐसा लेखक है जिसने बहुत सुंदर ढंग से उस रचना को लिखा है, उस गद्य को लिखा हुआ है, और हम बहुत जल्दी से उसको समझ जाते हैं कि इसके व्यक्तित्व इसका ऐसा होगा। आगे आता है कि इसमें हृदय और बुद्धि का समन्वय होता है। आपका हृदय जल्दी मन की बातों के विचार आपकी बुद्धि से समन्वय हो, यानी कि हमारे जो ज्ञान होता है वो हमारे दिल से ज्ञान कर और मस्तिष्क तक बात जाती है और उसके बाद हमारी लेखनी पर उतरती है। यानी कि हमें मालूम चल जाता है कि हमारे विचार क्या है
के रूप में लिख देंगे कि बिल लगाया बस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ हमने बिल लगाया, भोपाल में इस घर के आगे हमने बिल लगाया। अब हम इतना ना लिखकर सिर्फ क्या लिखेंगे, इन फलदार बिल लगाया। हमारी स्पष्टता भी रुक गई और हमारा वाक्य भी पूरा हो गया, यानी हमने उसको संक्षेप में भी कर दिया और बहुत आराम से उस चीज को हमने बता दिया और स्पष्ट भी कर दिया। अब आगे आता है कि निबंध के विषय सीमित नहीं है, उसका विषय कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सबसे पहले आपको हम बता चुके थे कि निबंध आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर एक विषय तो होता नहीं कि आप इसी पे निबंध आएगा। आप स्कूल के निबंध लिख सकते हैं, टीचर के निबंध लिख सकते हैं, प्रकृति के निबंध लिख सकते हैं, पर्यावरण के निबंध लिख सकते हैं, महापुरुषों पर लिख सकते हैं, त्योहारों पर लिख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्वों पर लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके के कारण हम निबंध लिख सकते हैं, और निबंध लिखने के लिए सटीक और सही शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। निबंध में यंत्र तंत्र हास्य व्यंग एवं विनोद का पुट भी हो सकता है। कुछ निबंध ऐसे होते हैं जो तंत्र मंत्र द्वारा होते हैं, जैसे कि हमने कहा कोई श्लोक वगैरह होते हैं वो हास्य कुछ विनोद भी होते हैं, यानी कि कुछ हंसने वाले मनोरंजन वाले भी निबंध होते हैं। जैसे यात्रा करना, हमारा अनुभव होना, उसका वर्णन करना, यानी कि हम कहीं बाहर गए और ट्रेन में हमारे साथ क्या हो गया, उसको भी हम निबंध के तौर पर लिख सकते हैं, यानी कि यात्रा वर्णन वो भी निबंध के तौर पर आ सकता है। यानी कि उसमें छोटा छोटा कोई हास्य विनोद हुआ है हमारे साथ, कोई घटना घटी हुई है, उसके बारे में भी हम सटीक जानकारी उसमें दे सकते हैं। निबंध हमारा एक हमें कहा नीम प्लस बंध, यानी उस चीज़ को बांधना। हमेशा कोई भी चीज़ को हम बांध के जकड़ के पकड़ लेते हैं तो फिर वो निकलना नामुमकिन होता है। जैसे ऐसे क्या करना, प्रति करना, प्रति करो उसको बढ़ाओ, अंग्रेजी में कहा प्रति करना और हिंदी में बांधना, उसको बांध लो और उसको प्रति करके पकड़ लो, दोनों चीज़ें हमारे साथ जुड़ती हैं। निबंध का जीवन का व्याकरण कार होता है। यदि हमारे पास निबंध के लिए सटीक शब्द सटीक विषय होता है तो हमारा जो निबंध कार होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। हम ये सोचते हैं कि इस निबंध कार में कुछ ऐसी बात जरूर है जिसने बहुत सुंदर ढंग से इसकी प्रस्तुतिकरण किया हुआ। जब हम कोई भी चीज़ देखते हैं या हमें अच्छा एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कलाकार ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, ठीक है, जब हमने उस मूर्ति को देखा तो हम उसमें कोई भी ऐसी गलती या नहीं निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे, लेकिन जो बनाने वाला वो उसकी गलती निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने खुद ने बनाई, स्वयं बनाई, अपनी गलती को स्वयं निकाल सकता है, लेकिन हम उस गलती को नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे जब हम निबंध पढ़ते हैं या हम कोई व्यंग पढ़ते हैं या गद्य पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, तो हमें कहीं गलतियां नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि लेखक ने लिखा है वो, लेकिन लेखक जो व्यंगकार होते हैं वो स्वयं अपनी गलती को निकाल लेते हैं। जैसे कि हम ही देख लीजिए, मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, बोलते बोलते हमें कोई गलत शब्द बोल दिया, हमें अपनी गलती जल्दी से पकड़ के आ गई, लेकिन सामने बैठने वाला स्टूडेंट्स वो उस गलती को नहीं पकड़ पा रहा था, है ना। ऐसे ही जब हमने मूर्ति को बनाई तो उसमें उसको लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये गलत इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसको ऐसा वैसा बनाया जाए, तो वो खुद की गलती स्वयं पकड़ लेता है, लेकिन अपनी गलती हमारी गलती सामने वाला नहीं पकड़ पाता है। क्यों? यही एक सच्चे निबंधकार का व्यक्तित्व झलकता है इसमें, ठीक है। अब जिस प्रकार कविता के भाव पक्ष और कला पक्ष होते हैं, उसी प्रकार निबंध में भी आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों होते हैं। अब कविता हमारे भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों में आते हैं। टेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाव पक्ष और कला पक्ष है जो साखियां में दिया गया हुआ था, ठीक है ना। जब हमने साखियां पढ़ी हुई थी तो हमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों के बारे में बताया था, पता चल रहा था, लेकिन जब हम उसी चीज को निबंधों में पढ़ते हैं तो हमारा एक चीज आ जाती है, उजागर आ जाती है कि हमें हिंदी व्याकरण बहुत अच्छे से आती है, हमने दोहे में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, छंद है, सोट है, वो चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है, उनकी जानकारी हमें बहुत अच्छे से मिली है, इसलिए हमें यहाँ पर व्याकरण भी बहुत सहज सुंदर और सरल लगने लगती है। क्योंकि जब हम बोलते जाते हैं, कोई टीचर बोलती जाती है तो आपको ये लगता है कि भाव पक्ष है क्या, कला पक्ष है क्या, जब हम उस चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो हमने एक ही सेंटेंस बोला कि भाव पक्ष और कला पक्ष में कोई मतभेद नहीं होता।
जो भाव पक्ष और कला पक्ष होता है कविता में, उसी प्रकार निबंध में भी आंतरिक और बाह्य पक्ष दोनों होते हैं। आंतरिक यानी अंदर की बातें कही हुई होती है और बाहर बताई हुई समझाई हुई बातें कही, लेकिन दोनों बातों को प्रकट करता है। एक अंदर छिपी हुई बातों को भी उजागर, जैसे गूढ़ रहस्य लिखते ना कि हमारे जो रहस्य है वो छुपे हुए हैं, गूढ़ एक ही शब्द में उसने आंतरिक लिख दिया यानी अंदर की बातें की और बाह्य शब्द में बाहर की बातें की कि हम तलाव में पानी पीने गए। जो सब दोनों चीजें हुई ना, जो हमारी पुरानी चीजें थी वो रहस्य में चली गई और जो पानी पीने गए वो हमारी बाहर में आ गई, यानी कि हमने दोनों चीजें आपके सामने स्पष्ट कर दी। लेकिन समझने वाले तुरंत समझ गया इन्होंने रहस्य बोला है, तो इसका मतलब है बहुत गूढ़ रहस्य है, जो अंदर की बात है और जो पानी पीने गया है वो उजागर दिख रहा है, वो पानी पी के वापस आ गया है। तो यहाँ पर दोनों चीजों को उजागर करना एक निबंधकार के लिए बहुत सरल चीजें होती है, लेकिन जब वो सामने वाला समझ जाता है आपको भी वो उसी कैटेगरी में खड़ा पाता है। अब आंतरिक शब्द के अंतर्गत लेखक के व्यक्तित्व, उसकी अनुभूतियां, विचारों, उसकी ज्ञान जीवन दृष्टि और किसी विषय या वस्तु के प्रति उसकी मानसिक बौद्धिक प्रतिक्रियाओं और संदेश का समावेश किया जाता है। निबंध के बाह्य पक्ष में भाषा, आकार और शैली आदि पर विचार किया जाता है। अब उन्होंने जो जीवन दृष्टि की और किसी विषय या वस्तु के प्रति कोई भी बात बताई है, उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान आना चाहिए, एक ही चीज़ आपको ध्यान में आनी है, कौन सी? हमारी मानसिकता, बौद्धिक प्रतिक्रिया है जो हमारे मन में चलती है, हमारे जो मस्तिष्क में चलते हैं। हमें कल कुछ और पढ़ाना, आज कुछ और बता रहे हैं। हमारी मानसिक क्या होती है, बौद्धिक स्थिति पर जो प्रतिक्रियाएँ जो होती है ना हमारी चेंज हो जाती है ना। ये कल तो हमने कुछ और पढ़ा था, आज कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं हमारी, लेकिन उसका सटीक एक ही चीज़ है, एक ही स्थान है जो एक सा स्तर रहता है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ दो ही चीजें बताई, विषय या वस्तु, दोनों चीजें हैं, आप विषय ले लीजिए या वस्तु ले लीजिए। चलिए आप विषय पर आ जाइए, दोनों चीजें ही आपको समझाओ। जैसे एक विषय है हिंदी या इंग्लिश, दोनों में हमने हिंदी में व्याकरण, अंग्रेजी में ग्रामर, ठीक है, दोनों चीजें आई, और संस्कृत में भी व्याकरण है ना। अब जैसे हमने इतिहास पढ़ा है ना, तो उसमें भी क्या था, सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, उसमें भी दो चीज़ें आती हैं, यानी कि उनको चीज़ों को लेना पकड़ना पड़ता है, दोनों चीज़ों को, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो ऐसे जब हम कोई विषय या किसी चीज़ की वस्तु लेते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे हमने हिंदी का विषय लिया, अंग्रेजी का विषय लिया, सोशल का लिया, इंग्लिश का लिया, किसी भी चीज़ का एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप, उसके बारे में हमें मालूम है कि इसमें चार किताबें हैं, इसमें पांच किताबें हैं, इसमें ये चीज़ें आती हैं, इतने विषय इसके साथ जुड़े रहते हैं। अब हमने एक वस्तु के बारे में बताते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक थाली ली, अब थाली में हम उसमें क्या कर सकते हैं, थाली के हाथ एक कटोरी रख सकते हैं, एक प्लेट रख सकते हैं, एक चम्मच रख सकते हैं, एक ग्लास रख सकते हैं, तो ये हमारी सारी वस्तुओं को हमने किया, यानी कि हमें थाली जो लग रही थी वो खाली लग रही थी, उसको हमने भरने के लिए एक थाली में तेल, चम्मच, ग्लास और एक कटोरी रख दी, तो हमारी थाली क्या हो गई, परिपूर्ण हो गई, यानी कि पूरी हो गई। अब हम उसमें खाना लेके बैठेंगे तो हम क्या एक चपाती अकेले लेके बैठेंगे, नहीं, साथ में हम क्या करेंगे, सब्जी लेकर बैठते हैं, है ना, या तो सब्जी अकेली खाएंगे या रोटी अकेली खाएंगे, क्या ऐसा होता है, नहीं। तो हमारे विषय या वस्तु इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जो हमें देखते हैं या हम उस प्रक्रिया को करते हैं, हमारे विचार आते हैं। अब हम कोई ये कह दे कि मोबाइल ले जाओ, अब मोबाइल में कोई फंक्शन ही नहीं होंगे तो मोबाइल लेकर हम करेंगे, ठीक है ना। यही चीज़ें यदि हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें व्यक्तित्व, विचार और मानसिकता का बौद्धिक संबंध ज्ञात होता है, ठीक है। अब आती है कि वैसे तो आंतरिक और बाह्य विविधताओं के आधार पर निबंध कई प्रकार के हो सकते हैं, चूंकि व्यक्तित्व निबंध का मूल तत्व होता है, अतः व्यक्ति की प्रमुख को मानकर निबंध के दो भेद गए हैं, निजात्मक और परात्मक। इसमें लेखक के व्यक्ति को उभारते हैं और इसमें विषय को उभारते हैं, परात्मक में विषय को बढ़ता है और निजात्मक में निजात्मक, निजात्मक मतलब होता है मेरा व्यक्तित्व, यानी कि मेरा खुद का व्यक्ति, और परात्मक का मतलब है उस विषय के बारे में कहा गया। दोनों चीज़ें यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना है, आप उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि दोनों चीज़ें क्या हैं, इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए।
वैसे अभी हमने आपने अभी ट्वेल्थ का हिंदी में रहीम का वर्णन पढ़ा था, रहीम के बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा था उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है। कबीर के बारे में मालूम है, तुलसीदास जी के बारे में मालूम है, प्रेमचंद के बारे में, कोई भी कवि, कोई भी लेखक ले लीजिए, कोई भी कवि ले लीजिए, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें मालूम। जब तो उन्होंने कहानियाँ वगैरह लिखी, कविताएँ लिखी है ना, यदि वो श्रेष्ठ नहीं होते तो क्या वो ऐसी चीज़ें लिखते? हमें उनके बारे में तभी तो पता चला जब वो श्रेष्ठ हैं, उनने कविताएँ कहानियाँ लिखी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला। अब मेरे लिए तो मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं था, मैं पढ़ा रही हूँ, ये कर रही हूँ, जब मैं अच्छा पढ़ाऊँगी, अच्छी चीज़ें कराऊँ या कुछ कराऊँ तभी मेरा व्यक्तित्व उभरेगा, अन्यथा नहीं उभरता। यानी कि कोई अच्छी बात कहना, अच्छी चीज़ लिखना, अच्छी सामने वाले को समझाना, उससे उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो ये तो क्या था, विषय प्रधान व्यक्तित्व, यानी कि हमारा जो था विचारता था। अब आते हैं परात्मा, यानी कि विषय प्रधान जो होता है परात्मा, किसी विषय को उभार कर लाना, जैसे हमने हिंदी हिंदी सब्जेक्ट बोरिंग बताते हैं, है ना, कह रहे वो ऐसा, लेकिन जब इसको आप इस विषय को पढ़ेंगे तो इसमें कितना रस है, कितने छंद है, सोटे हैं, कहानियाँ हैं, निबंध है, व्याकरण है, इसमें बहुत सारे गद्य हैं, विधाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी समझ में आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में। इनकी कहानियाँ जो पढ़ने में हमारे जैसे पंचतंत्र हैं, कहानियाँ हैं बहुत सारी, विकान विक्रम है, ऐसी बहुत राजरानी की कहानियाँ हैं जो जब हम पढ़ते हैं, इन सारी हम पढ़ते हैं तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, इनके विषयों के बारे में पता चलता है कि हमें क्या चीज़ किस विषय के आधार पर हमने ये सीखा। तो यानी कि हमने उस चीज़ को रोमांचक अच्छी बनाने के लिए, उस विषय को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं, ऐसी बुके डाल रखी हैं, क्रम डाल रखे हैं जिससे आपको उस चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, ये तो आपकी क्या हो गई थी, निजात्मक और परात्मक, तो दोनों चीज़ें आ गई। अब विषय क्या होता था, पर निबंध के भेद भी होते हैं, वो कितने होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वर्णात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। इन चार वर्णों को बहुत अच्छे से आप समझिए कि वर्णात्मक वर्ण करने वाला, जो हम वर्णन करते हैं जिससे, वर्णात्मक बहुत इजी शब्द है ना, वर्णात्मक यहाँ पर लिखा हमने एक भेद है जो वर्णात्मक, ठीक है। सेकंड वाला है विवरण, विवरण तमक। थर्ड है विचारात्मक, और फोर्थ लास्ट भावात्मक, ठीक है। ये तो आपके चार भेद थे। अब हम सबसे पहले वर्णात्मक के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्णात्मक का क्या होता है, अब इनको भी हमने चार कैटेगरी में डाल रखा है। तो अब वर्णात्मक होते हैं जैसे प्रायः गोल, यात्रा, तीर्थ, वर्णन, ऋतु, इनका वर्णन करना, तो वर्णात्मक होता है। यदि हम कहीं ट्रेन से जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उसका वर्णन करना, ऋतु है पानी गिरना, उसका वर्णन करना, जिस चीज़ का हम वर्णन करते हैं, जिस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम कहते हैं, वो होती है वर्णात्मक। जैसे तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं उसका वर्णन करना, बद्रीनाथ की यात्रा में पहाड़ है, बर्फ है, अमरनाथ की यात्रा में बहुत सारी खाइयाँ हैं, पहाड़ है, बर्फ है, और बहुत सारी ऐसी हैं जो चढ़ाई चढ़ने में हमें परेशानियाँ होती हैं, हम उस चीज़ का वर्णन करते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी तीर्थ यात्राएँ हैं जो कठिन से कठिन होती हैं, तो उसका वर्णन करना, कुछ सरल होती हैं उनका वर्णन करना, ये तो बहुत सरल थी, गए और आया होता है सब, लेकिन कुछ का वर्णन करते हैं हम बहुत कठिनाई से, पहाड़ को लाना पड़ा, कहीं उसको चढ़ना पड़ा, फिर उसको नीचे उतरना पड़ा, फिर पानी में जाना पड़ा, फिर हमें पहाड़ चढ़े, फिर बर्फ पे चढ़े, ऐसे हमने कई वर्णन किए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्णात्मक कहते हैं। प्रमुखतः इन विषयों के निबंधों के दृश्य और स्थान का वर्णन कल्पना में डूबे हुए सरल और सहज तरीके से, इसकी भाषा सरल होनी चाहिए, शैली इसकी मध्यम होनी चाहिए, लेखक के द्वारा निबंध को रोचक और प्रभावशाली बनाने का
किसी यात्रा का वर्णन करते हैं, ऋतु का वर्णन करते हैं, तो हमें उनके शब्दों को बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, उन शब्दों को सुंदर सटीक बनाकर लिखना पड़ता है कि हमें अच्छा लगे, उन चीजों का वर्णन बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करनी है। अब आता है विवरणात्मक, और सेकंड वाला जो था जो था विवरणात्मक, विवरणात्मक। अब हमें इसमें विवरण बताना है, जैसे दुर्गम प्रदेश का, पहाड़ का, ठीक है, पर्वतारोहण का, लोग जा रहे हैं ऊपर उसका, दुर्गम प्रदेश, यात्रा, साहसपूर्ण कार्य करना, उसका कलात्मक रूप से विवरण करना, कलात्मक रूप से यानी कि उसका रोमांचक रूप से वर्णन करना, उसका विवरणता कहलाता है। अब कैसे उसका वर्णन कैसे करोगे आप, कि पहाड़ पर जाना, जैसे आपने लिखा होगा पर्वतारोहण जो होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, वो पानी में जो तैरते हैं वो, उनका वर्णन भी आप कर सकते हैं, उसका वर्णन विवरण भी हो सकता है। शिकार करना वो भी होता है इसमें, उनकी गतिशील रूप को देखकर किया जाता है, बहुत तेज दौड़ रहा है, विवरण कर रहे हैं आप लोग, जैसे कमेंट होते हैं, बहुत तेज दौड़ रहा है हिरण, बहुत तेज दौड़ रहा है, शिकार उसके पीछे जा रहा है, वो पकड़ नहीं पा रहा है, बहुत हिरण क्या है वो लुप्त हो गया, गायब हो गया। तो ये तो विवरण बता दिया हमने, क्योंकि वो शिकार शिकार कर नहीं पाया है, हिरण बहुत तेज भाग कर आंखों से ओझल हो गया है, और शिकारी जो है वो मायूस होकर लौट आया है। वर्णन ही विवरण है, यानी कैसा, जंगल में शेर को मारने के लिए शिकारी गया, शेर ने बहुत तेज दौड़ लगाई, या शेर में कोई शिकारी होता है, विवरण वर्णन नहीं होता है। यात्रा का साहस पूर्ण कार्य करना, वो सारा विवरण में आता है, ठीक है, उसको कलात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना या प्रस्तुत करना। अब आता है विचारात्मक, इसमें मनन शील अध्ययन आपके विचारों को प्रकट करना, थर्ड नंबर विचारात्मक, इनमें प्रभावशाली ढंग से प्रतिपादित किए हुए अपने विचारों की, अपनी कल्पनाओं का विचारात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, किसी भी चीज के बारे में बताना। आपकी बोलने की कला ज्यादा हो तो आपका विचारात्मक उसके कलात्मक शब्दों का प्रयोग करके उस चीज को बहाएगा, जैसे लेखन, लेखन के माध्यम से, मनन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि हम उनके सहारे अपना विचारात्मक प्रस्तुत कर सकते हैं, विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। सद्भावना के सामने खंडवंड का सहारा लेते हैं हम, बहुत सारे कहते हैं ना कि नहीं नहीं तर्क वितर्क नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने विचार इसमें तत्सम शब्द की शब्दावली का बहुत सारा प्रयोग होता है विचारात्मक में, ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है भावात्मक, जो हमारी निबंध की भावात्मक शैली होती है, भ्रांत होती है, और जो हृदय की भावना की गहराइयों को छूकर प्रस्तुत किया जाता है, भावात्मक शब्द कहलाते हैं। जैसे इनमें रागात्मक अधिक होने से कवित्वपूर्ण उदागर तथा शैली का सौंदर्य आ जाता है, और प्रांगण अनुभूतियाँ और उनके प्रकाशन की क्षमता ही ऐसे निबंधकारों की पूंजी होती है। समानता कल्पना के साथ काव्यात्मक कपुट इन निबंधों में होता है। बहुत अच्छे से बताया है भावात्मक, हमारी भावनाएं जो होती हैं वो फौरन आ जाती है, अच्छा हमारे चेहरे पर भी निकलती है भावनाएं, रेखाएँ जो होती है ना वो हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक दिखती है, जैसे हमें दुख है तो दिख जाएंगे, सुख है तो दिख जाएंगे, ऐसी भावनाएं जो होती है वो भावात्मक विचारों के साथ ही उभर कर सामने आती है। अब इसमें आते हैं दो शैलियां और थी हमारे पास, अब समाज शैली, व्यास शैली और विवेचन शैली, और व्यंग शैली, धारा और तरंग शैली, निगम और आगम शैली, ऐसी छह शैलियां हैं जिनको बांटा गया है। तो हमने भेदों में बांटा गया था निबंध को, अब शैलियों में भी बांटा गया है निबंध को। यदि हमने सबसे पहले उनमें क्या कहा, रचनाओं में बांटा, फिर उनको विचारों में बांटा, फिर हमने भेदों में बांटा, अब हम शैलियों में भी उनको बांटेंगे। यदि हम शैलियों में बांटेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस शैली पर कौन सा निबंध आता है, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। समाज का अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेप में कोई भी बात कहना। समाज शैली अत्यंत प्रभावशाली शैली होती है,
इसका प्रयोग अधिकांश निबंधकार करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है निबंधकार करते हैं, जो कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति इस श्रेणी की सर्वोत्तम हो, यानी कोई भी चीज है कम शब्दों में कह दो और बहुत सारा उसका अर्थ निकल जाता है ना। ऐसा ये कौन करते हैं? समान श्रेणी के निबंधकार करते हैं, जो सिर्फ अपना उतना ही शब्द लिखते हैं जितनी उनको वहां पर जरूरत होती है। इस श्रेणी में विचारों की स्पष्टता और भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। इस श्रेणी का प्रमुख विचारात्मक निबंध भी होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध समाज श्रेणी के श्रेष्ठ उदाहरण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो हमारे गद्य के बहुत अच्छे कवियों में लेखकों में माने जाते हैं, और उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो समाज शैली है वो बहुत सटीक है। उदाहरण के तौर पे हम बताएं, जैसे हमने प्रेमचंद की कहानियां पढ़ी थी, उनकी कहानियों में जीवन का मर्म आता है। वो अपने जीवन के संघर्ष के बारे में बताते हैं जो उन पर खुद पे बीती है। प्रेमचंद पर जो उनके जीवन में घटित घटनाएं होती है वो अपनी कहानियों में उतारते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है वो सिर्फ उन शब्दों को लेते हैं जो उनके सामने घटित होता है, यानी कि चल रहा होता है। उदाहरण के तौर पर उन चीजों को अपने कहानियों में, कविताओं में, अपने गद्य और पद में ले लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद जो है वो क्या करते हैं, अपने जीवन में, यानी उन्होंने बहुत गरीबी देखी है, बचपन से ही बहुत गरीबी देखी थी प्रेमचंद ने, जो काफी दूर जाकर उन्होंने पढ़ाई की, यानी कि 225 कोस दूर चले थे वो अपने गाँव से, तब जाकर वो वहाँ पर पढ़ाई करने जाते थे। स्कूल था वहाँ का, नदी को पार करते थे, अपनी पीठ पर खाना लादते थे और तब वो वहाँ जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि जो निबंधकार होता है, जो अच्छा निबंधकार होता है, वो अपने कुछ ही सटीक शब्दों में उन चीज़ों का वर्णन पूरी तरह से कर देता है, यानी कुछ छोटे शब्द लेता है, कम शब्द लेता है और अपनी पूरी बात उन चीज़ों में रख देता है। जैसे दोहे होते हैं ना, एक भाई दोहे में हमने लिख दिया और इतना इतना दोहा चला गया। अब उन दोहे का अर्थ बहुत लंबा होता है, आप भंडो उसको अर्थ समझाते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी हुए निबंधकार हैं, जो उन्होंने बहुत छोटे ढंग से, बहुत सटीक ढंग से उन शब्दों को प्रस्तुत किया है और उसका अर्थ बहुत बड़ा निकला। अब आती है व्यास शैली। व्यास शैली का अर्थ होता है विस्तार। व्यास का मतलब ही विस्तार होता है, मैथिली में आप पढ़ते हैं तो व्यास का मतलब विस्तार होता है, उस चीज को फैलाना होता है, यानी कि फैलाते हैं उस चीज को। अतः श्रेणी के अंतर्गत भाव का विचार विस्तार के साथ अत्यंत बोधगम और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता श्रेणी की विशेषता है। कितनी अच्छे से देख लेता है, जब हमारा विस्तार होता है उसको बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए, स्पष्टता होना चाहिए, स्वाभाविकता होना चाहिए। स्वाभाविकता नहीं होगी तो हमें कैसे पता चलेगा ये चीज़ के, है ना। जब चावल को चावल कहेंगे और गेहूँ को गेहूँ कहेंगे, जब तो हमें स्पष्टता वादी आएगी भाई, अब हम गेहूँ को चावल, चावल को गेहूँ तो नहीं कह सकते ना। इसीलिए सरलता, स्पष्टवादी और स्वाभाविकता उस श्रेणी में विशेषता होती है। इस श्रेणी का प्रयोग विशेष प्रधान निबंधों में किया जाता है। वर्णनात्मक और विचारात्मक निबंध भी इस श्रेणी में लिखे जाते हैं, जैसे महावीर द्विवेदी निबंधों में श्रेणी के दर्शन होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बहुत ज्यादा ही उनके बारे में जो हमें बता रहे थे वो ये है। अब इनका जो था, हमने इनको देखा कि सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने लिखी, बहुत अच्छे ढंग से कही है, इनका विस्तार भी बहुत बड़ा, हर चीज़ उनकी फैली हुई गई है ना। जो चीज़ लिखते हैं बहुत फैला के लिखते हैं, बहुत विस्तार में लिखते हैं, समझा कर लिखते हैं। अब आता है विवेचन शैली। इसके अंतर्गत होते हैं तर्क, वितर्क, प्रमाण, पुष्टि, व्याख्या, निर्णय आदि का सवाल लिखा होगा, विषय का प्रतिपादन करता है। गहन अध्ययन में चिंतक के आधार पर लेखक अपना तथ्य प्रस्तुत करता है। विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध पर श्रेणी के उपयुक्त उदाहरण हमें मालूम है कि रामचंद्र जी के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत सटीक, सरल और सुयोग्य हैं। व्यंग्य शैली में आती है किसी भी निबंध में व्यंग्य करना। अब इसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए इनकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है।
व्यंग देखिए करना, जैसे व्यंग एक कार्टून बना दिया उसमें व्यंग के तौर पर उस शब्द लिख दिए, इसको कहते हैं व्यंगात्मक। राजनीति धार्मिक इन चीज़ों पर ज़्यादा चलते हैं, सामाजिक हो राजनीति हो इन चीज़ों पर ये व्यंग ज़्यादा यूज होते हैं, ज़्यादा कहे जाते हैं। व्यंग तीखा मनोवेदी और मारक होता है, इसलिए रचना का किंचित हास्य का पुट देकर विषय को पढ़नीय और मनोरंजन करा देते हैं। व्यंग शैली में हमेशा आप देखो एक हास्य प्रदाय कार्टून बनाना होता है ना, और उसके बाद में छोटा सा ऐसे शब्द लिख रहते हैं स्लोगन टाइप का लिखा रहता है, और आप उसको पढ़ो उसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें आपको हंसी भी आ जाती है ना। हास्य प्रदाय होना चाहिए, मनोरंजन वाला होना चाहिए, मतलब किसी को बुरा भी नहीं लगे और काम भी लगे, जैसे कहते हैं ना बुरा मन को रंग भी डाल दिया और कहते बुरा भी नहीं मान। तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने हास्य शैली के लिए कहा है, और व्यंग शैली के लिए भी भाई हम तो व्यंग भी कर दिया और उसको हास्य में भी मनोरंजन के तौर पर भी उसको शब्दों को ले लिया। शब्द चयन और अर्थों के चमत्कार की दृष्टि से शैली का विशिष्ट महत्व है। व्यंग्यात्मक शैली निबंध से शैली में लिखे जाते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध जो होते हैं उसे शैली में लिखे जाते हैं, जैसे राजनीति के किसी नेताओं पर लिखा, महापुरुषों पर नहीं नेताओं पर उनका व्यंग है ना। अब अटल बिहारी वाजपेयी पर तो लिख नहीं सकते क्योंकि उन्होंने व्यंग को खुद ही कर देते, व्यंगकार कवि थे वो, बहुत अच्छे कवि भी थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, आप मानिए प्रधानमंत्री के साथ साथ बहुत अच्छे व्यक्ता प्रवक्ता और लेखक भी थे है ना। तो उनके लिए व्यंग शैली नामुमकिन ही है। हाँ प्रतिभा शैली निवेश नवनात्मक शैलियाँ जो होती हैं वो उनके लिए बहुत सूट करती हैं। अब आती है धारा और तरंग शैली। धारा और तरंग शैली में क्या है, सामान्य का भावक का निबंध लेखन के लिए धारा शैली और तरंग शैली का प्रयोग किया जाता है। धारा शैली की भावों में धारा प्रवाह बह रहकर प्राय एक गति से चलती है, किंतु तरंग शैली में ये भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं। आपने देखा धारा, हम जब तालाब समुद्र के किनारे जाते हैं अपने बड़े तालाब की बात करो, धारा एक लहर बहती है, जो तरंग आती है लहर ऊपर नीचे होती है, तो वो जो ऊपर नीचे होती है उनको हम तरंग कहते हैं, लहर कहते हैं। वो जो धारा होती है वो एक प्रभाव में बहती जाती है, बीच में कभी कभी आप देखते हैं कि बिल्कुल शांत है समुद्र, बड़ा तालाब बड़ा शांत है, तो धारा बह रही है छोटी सी धारा निकल के चली जा रही है और वो आराम से बह रही है, वो डिस्टर्ब नहीं करे किसी को भी, तो भी एक धारा लहर होती है, लहर में बह रही है ना। जैसे हम कोई भी पाठ पढ़ रहे थे लहर बोलते चले जा रहे हैं, कभी कहें कि लहर बोलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बीच बीच में जो आ जाते हैं जिनकी हमें धुने चेंज करना है, तर्क चेंज करना है, अर्थना अंतरा चेंज करते हैं ना, जैसे कहानी में अंतरा चेंज हो जाता है, पहले गाना तो जो लय में चलता है लेकिन अंतरा जब आता है तो उसका स्पीड कम हो जाती है, उसकी लय कम हो जाती है, या उसकी जो अंतरा रहता है वो अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर भी तरंग होती है, जो शैली होती है वो अलग तरीके से चलती है, यानी ऊपर नीचे चलती है। कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनका हमें मोड़ मोड़ना पड़ता है, दूसरी तरफ से मोड़ना पड़ता है, तो उन खाते वो उठते भी हैं और उड़ते भी, जिस तरह से लहर ऊपर आके नीचे होती है, नीचे आके ऊपर होती है, ऊपर आके और फिर किसी दीवार से या पत्थर से टकरा कर वापस लौट जाते हैं, ऐसे जो हमारे शब्द होते हैं ना वो शब्द भी कुछ नीचे की तरफ होते हैं और कुछ ऊपर की तरफ होते हैं है ना। जब हम निबंध लिखते हैं या कोई चीज़ ऐसे लिखते हैं या हम धारा में या तरंग में लिखते हैं तो हम जरूरी नहीं है कि हम उसको एक ही लाइन में लिखते जाएं, नहीं। जैसे हमने लिखा वन जंगल पानी वर्षा के कारण बहुत हरा भरा हो गया, अब हमारे ऊपर नीचे की बात के लिए आ गया, हमने उन पेड़ों को काट दिया, तो ये क्या हो गया तरंग हो गया, यानी कि पहले तो पेड़ बहुत हरा था, एक ही धारा में बह, यानी कि बहुत सारे पेड़ थे, हरे भरे थे, बारिश हो रही थी, जंगल को प्रदेश उसमें बदल गया था, हरा भरा हो गया था, और जंगल में जो पक्षी थे पशु थे वो बहुत आराम से रहते थे और उनको रहने का ठिकाना भी पेड़ के ऊपर नीचे होता था। अब इतने सारे पेड़ हो गए, इतना सारा हो गया जंगल, काफ़ी कोसों दूर तक फैल गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये तो एक लाइन में चला गया धारा में। अब तरंग आ गई, यानी कि हमने धीरे धीरे उन पेड़ों को काटा है ना, घर के लिए उस लकड़ी यूज करी, फर्नीचर के लिए यूज करी, धीरे 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 पेड़ काटते गए, जंगल साफ हो गया, कितने आराम से हो गया, धारा भी आ गई और तरंग भी आ गई, यानी कि हमने एक ही उदाहरण से दोनों चीजें आपको बता रहे हैं।
पेड़ को काट लिया तो हमारे क्या हो गया, जंगल जो हमारा 100 कोस में था 50 कोस में रह गया। अब आधा रह गया, वहां के जानवर जो थे जो बिल्कुल फेरित रूप में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे, आजादी से स्वतंत्रता से घूम रहे थे, अब वो क्या सिमट के छोटी सी जगह पर आ गए। जैसे मान लीजिए हमारा 1000 स्क्वायर फुट का मकान है, अब उसका आधा मकान हमें बेच दिया तो हमारा क्या हो गया 500 स्क्वायर फुट का। अब उसी 500 स्क्वायर फुट में हम 10 लोग रहते, अब हम 1000 में तो 10 लोग रह रहे थे तो बड़े कंफर्टेबल थे, लेकिन उसी जगह में हमने आधा बेच दिया और आधा वहां पर रह रहे तो हम क्या हो गया, कैसा हो गया, सुकड़ गया क्या? सुकड़ा नहीं ना, बल्कि हम वहां पर तकलीफ में आ गए। ऐसी मत जान पर भी तकलीफ में आ गए, वो पेड़ पौधे भी वहां पर रट के विनाश भी हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर तरंग और धारा का उदाहरण है। अब आता है निगम और आगमन शैली। प्रतिपाद विषय की व्याख्या की दृष्टि से निगम शैली और आगम शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है। निगम शैली के अंतर्गत पहले विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तदुपरांत सूत्र के अंतर्गत पहले विचारों को विस्तार रूप में व्याख्या की जाती है और इसके बाद अंत में सूत्र रूप में सारांश प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। आगम शैली निगम शैली के विपरीत होते हमें मालूम है, आगम का मतलब होता है आना और निगम का मतलब होता है जाना, दोनों विपरीत होते हैं। जब एक आता है जब हम देखिए पिक्चर हॉल में सिनेमा हॉल में आगम और निगम में लिखा है ना, दोनों तरफ यहाँ से आए और यहाँ से जाए, है ना, ऐसा देखा ना आपने भी। तो ऐसे हमारे घर में तो दो दो चार दरवाजे तो नहीं रहते, इस दरवाजे से आओ उस दरवाजे से जाओ, लेकिन हमारे घर में जो मेन डोर रहता है वो एक ही होता है, हम उसी से आते हैं और उसी से जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें निगम और आगम का मतलब बताना है कि हम जिस शैली में हम देखते हैं उसी शैली में हम आगे भी जा सकते, है ना। जैसे हम अब ये नहीं है हम जैसे हमारा घर का दरवाजा है, हम इसी से जा रहे हैं इसी से आ रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आपको आया समझ में। ऐसे जब हम निबंध लिखते हैं तो हम उसी भाषा में लिख सकते हैं जिसमें हम आगे बढ़ते हैं, उसी भाषा में लिखते हैं जो पीछे आते हैं, यानी कि हमारे पास दो दरवाजे नहीं एक ही, है ना। हम उसी को अपने विचारों से लिखते हैं और अपनी कल्पनाओं के द्वारा उसको समेटते हैं, दोनों चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, है ना। जैसे हम ऐसा तो नहीं हमने यहाँ से लिखा तो यहाँ से मिटा दिया, इस दरवाजे से गया दूसरे दरवाजे से बाहर आ गए, ऐसा नहीं। यहाँ पर हम जिस शैली में लिखते हैं उसी शैली में ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी कि हमने उसको एक तो विचारात्मक लिखा और दूसरा कल्पनात्मक लिख दिया, तो हमारे आगम और निगम दोनों हो जाते हैं उस शैली में, ठीक है। ये तो थी आपका हिंदी का जो व्याकरण था आपका, उसका था जो निबंध के विकास के बारे में आपको बताया कि वो कैसा था, कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे करा था, निबंध के आधार पर था और निबंध किन किन शब्दों से क्या क्या चीज से बना हुआ है और बंधना त्याग करना आगे बढ़ना शैलियाँ थी समास थे और भाव थे, इन चीज़ों को जोड़कर हमारा निबंध तैयार हुआ था और इन निबंध के लिए ही अब हमें बांधना है, यानी नी प्लस बंध शब्द का प्रयोग करना है, इनको बांध कर सहज कर शब्द को रखना है। तो ये आपकी शैलियों के ऊपर मेन पर समाप्त होता है। निबंध का सेकंड चैप्टर यानी कि इसका सेकंड भाग आपको पढ़ाया जाएगा जो होगा विकास की दिशाओं में। अभी तो हमने सिर्फ विकास पढ़ा था, है ना, अब हम उनकी दिशाओं के बारे में बताएंगे, विकास की दिशाओं में क्या होता है इसका, है ना, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम।